हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंजीत सिंह। तो आज मैं आपको बताऊंगा आरसीसी कॉलम। तो अगर इससे पहले आपने जो प्रीवियस लेक्चर मेरा आरसीसी कॉलम का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लेंगे, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट जो है आरसीसी कॉलम का मैं उस लेक्चर में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो पहले आप उसका जो पूरा थ्योरी का कॉन्सेप्ट है पहले आप उसे देख लेंगे, फिर ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी मैं आरसीसी कॉलम में आपको WSM मेथड से बता रहा हूँ और LSM से भी बताऊँगा इसके बाद। तो दोनों मेथड से हम साथ ही साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके थ्योरी कॉन्सेप्ट भी, फॉर्मूले भी, डिज़ाइन भी और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। क्योंकि JEE और AE लेवल के एग्ज़ामों में होता क्या है कि वहाँ पर किसी भी मेथड से एग्ज़ाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो हमें दोनों मेथड से बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो आज मैं इस लेक्चर में बात करूंगा आपको मैं बताऊंगा कि आरसीसी कॉलम में उसका जो रेनफोर्समेंट होता है उसका डिज़ाइन कैसे करते हैं। IS कोड क्या कहती है कि हमें कितने mm डाया का रेनफोर्समेंट लेना चाहिए, चाहे वो मेन बार हो या उसका जो टाई बार होता है। टाई बार भी दो टाइप से होते हैं, इंडिपेंडेंट टाई बार और स्पाइरल टाई बार। तो इनका क्या डाया होना चाहिए, क्या इनका स्पेसिंग होना चाहिए, तो एक IS कोड जो कहता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको लेटरल रेनफोर्समेंट की बात करूंगा। तो यहां हम कह सकते हैं डिजाइन ऑफ ट्रांसवर्स बार भी इसे बोलते हैं और इसे लेटरल रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में बोल देता है कि लेटरल रेनफोर्समेंट का डिजाइन कीजिए। तो जो लेटरल रेनफोर्समेंट होता है ये दो प्रकार का होता है कॉलम में। कौन कौन सा होता है देखिए, यहां हम लोग समझते हैं। ये मान लीजिए आपका आरसीसी कॉलम हो गया, ठीक है। कॉलम में यहाँ मेन बार, वर्टिकल बार प्रोवाइड किया गया होगा। तो आप देखते होंगे कि स्टीरप्स, जैसे बीम में स्टीरप्स होता है ना, वैसे ही स्टीरप्स की तरह ही यहाँ पर स्टीरप्स नहीं बोलते, यहाँ पर टाई बार बोलते हैं। तो ये जो टाई बार, इसी को बोलते हैं टाई बार। तो जितने भी टाई बार यूज किया गया है वो सब इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए इस प्रकार के टाई बार को बोलते हैं इंडिपेंडेंट टाई बार। ये है टाई बार आपका, ठीक है। तो ये आपका जो लेटरल रेनफोर्समेंट होता है ये दो टाइप का होता है। नंबर ए, फर्स्ट इंडिपेंडेंट टाई बार, ठीक है। तो अगर हम इंडिपेंडेंट टाई बार की करें बात, तो क्या इनका डाया लेके चलना चाहिए और कितना इसका स्पेसिंग होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रैक्टिकली भी आपको यूज़ करने के लिए आएगा और एग्ज़ामों में तो बहुत ज़्यादा पूछता ही है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके डाया का। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे जो इंडिपेंडेंट टाई बार का डाया होगा वो 8 mm से लेकर के 16 mm तक लेके चलेंगे, ठीक है। क्या मैंने आपसे बोला, 8 mm से लेकर के 16 mm, यानी 8 mm टू 16 mm, 8 mm से लेकर के 16 mm तक का हम टाई बार यूज करते हैं। और या डाया ऑफ मेन बार डिवाइड बाय 4, इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो डाया लेकर के चलते हैं, ठीक है। और डाया ऑफ मेन बार, जो आपने मेन बार प्रोवाइड किया हुआ है, ये जो वर्टिकल बार यूज किए हुए हो इसे बोलते हैं डाया ऑफ मेन, ये मेन बार होता है, डिवाइड बाय 4। इन दोनों में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है, विच एवर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट टाई बार का डाया। समझ में आया आपको। अब हम इसके स्पेसिंग की बात करें तो ये स्पेसिंग कितना लेके चलना चाहिए। नंबर सेकंड, स्पेसिंग।
स्पेसिंग कह सकते हैं या आप इसे पिच कह सकते हैं, ठीक है। पिच कितना होना चाहिए इसके लिए आईएस कोड कहता है 3 पॉइंट आपको ध्यान देना होगा, वो तीनों पॉइंट क्या है आपके लिए। पहला पॉइंट ये है लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, इसके बारे में पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूं क्या होता है ये, फिर भी रिपीट कर देता हूं कि कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन होता है उस क्रॉस सेक्शन में जो लेंथ सबसे कम होता है उसे बोलते हैं लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अगर स्क्वायर कॉलम की बात करें तो उसके चारों साइड जो होते हैं वो इक्वल होता है, तो कोई भी एक साइड का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा लीस्ट लेटरल डायमेंशन। रेक्टेंगल की अगर की बात करें अगर हम, तो मान लीजिए एक लेंथ L है और दूसरा लेंथ B है, इन दोनों में जो सबसे कम होगा, तो मान लीजिए B लेंथ सबसे कम है तो ये आपका हो जाएगा लीस्ट लेटरल डायमेंशन। सर्कुलर कॉलम की बात अगर हम करें तो उसका जो डाया ऑफ कॉलम होगा, क्योंकि वहाँ पे डाया होता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक साइड भुजा छोटा होता है, ऐसा तो है नहीं, तो जो उसका डाया ऑफ कॉलम होता है वो कहलाता है लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन ले लेंगे, नंबर सेकंड पॉइंट 16 इंटू डाया ऑफ मेन बार, 16 फाई कह सकते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड 300 mm, इन दोनों में जो सबसे कम वैल्यू होगा वो कहलाएगा स्पेसिंग और पिच ऑफ इंडिपेंडेंट टाई बार, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया, ये चीज़ आपको हमेशा याद होनी चाहिए, हमेशा एग्जामों में पूछता है ये, विच यूवर ऑफ मिनिमम वैल्यू, ध्यान देना यहाँ पर मैंने मैक्सिमम लिखा हुआ है और यहाँ पे मिनिमम लिखा है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैक्सिमम और मिनिमम में, तो आप ठीक से याद रखेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होगा उसे हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट टाई बार का डिज़ाइन, बस यही दो पॉइंट आपको याद रखना है हमेशा। अब एक टाइप का तो हो गया इंडिपेंडेंट टाई बार, दूसरा आपका होता है स्पाइरल टाई बार, स्पाइरल टाई बार। ये स्पाइरल टाई बार क्या होता है, स्पाइरल की तरह एक ही बार होता है जो कि कॉलम के पूरे लंबाई में एक ही बार को चारों तरफ उसको लपेटते हुए ऊपर तक हम बार के इसका यूज करते हैं। अगर इसका फिगर देखते हैं तो कैसे बनेगा, देखिए ये कॉलम हो गया आपका, ये मान लीजिए वर्टिकल मेन बार हो गया, तो एक मेन बार लेंगे, एक कोई बार लेंगे और इसके चारों तरफ से लपेटते हुए ऐसे चले जाएंगे, यानी इंडिपेंडेंट नहीं होता ये, एक ही बार होता है ये, इसे बोलते हैं स्पाइरल टाई बार, ठीक है। तो इसका डाया कितना लेके चलेंगे, देखिए अभी मैं जब इसका स्ट्रेंथ निकालूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में फ़ायदा क्या है। वैसे स्पाइरल टाई बार स्ट्रेंथ ज़्यादा देता है कंपेयर टू इंडिपेंडेंट टाई बार, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है, एक मैं इक्वेशन बताऊंगा, अगर वो इक्वेशन को फॉलो करता है तो ये 1.05 गुना स्ट्रेंथ ज़्यादा देता है कंपेयर टू इंडिपेंडेंट टाई बार के, लेकिन वो इक्वेशन मैं आपको भी बताऊंगा जब स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम बताऊंगा तब, ठीक है। तो अगर स्पाइरल टाई बार के डाया की हम बात करें तो डाया कितना लेके चलते हैं, जो डाया इंडिपेंडेंट में यूज करते हैं वही स्पाइरल में भी यूज करते हैं, तो ये तो आपको याद हो जाएगा बहुत आसानी से, 8 mm टू 16 mm और डाया ऑफ मेन बार डिवाइड बाय 4 विच योर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इन दोनों में जो सबसे मैक्सिमम होगा वो वैल्यू कहलाएगा आपका डाया ऑफ स्पाइरल टाई बार। अब हम बात करेंगे पिच की, तो यहाँ पर हम दो टाइप के पिच निकालते हैं, एक होता है मैक्सिमम पिच और एक होता है मिनिमम पिच, ठीक है। तो अगर हम मैक्सिमम पिच की बात करें
कितना होना चाहिए। इसका जो मैक्सिमम पिच होगा 75 mm या डाया ऑफ कोर बाई 6, इन दोनों में जो सबसे मिनिमम होता है वो कहलाता है मैक्सिमम पिच। क्या मैंने आपसे बताया कि 75 mm और डाया ऑफ कोर बाई 6, डाया ऑफ कोर को डीके से शो करते हैं, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि डाया ऑफ कोर क्या होता है। वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन फिर से मैं आपको बताऊंगा। तो 75 mm या डाया ऑफ कोर बाई 6, इन दोनों में जो सबसे मिनिमम होता है, विच एवर ऑफ मिनिमम वैल्यू, ठीक, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाला ये पॉइंट होता है, स्पाइरल टाई बार में मैक्सिमम पिच कितना होता है, मिनिमम पिच कितना होता है, दोनों क्वेश्चन बहुत पूछता ही है। नंबर थर्ड है आपका, मिनिमम पिच कितना होना चाहिए, मिनिमम पिच के लिए फॉर्मूला होता है इसका 25 mm और 3 × डाया ऑफ स्पाइरल बार। और 3 × डाया ऑफ स्पाइरल बार विच इवर ऑफ मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ इंडिपेंडेंट टाई बार और स्पाइरल टाई बार का डिज़ाइन। लेटरल टाई रेनफोर्समेंट का डिज़ाइन हो गया, इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं, तो ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसे आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जेई लेवल या ए लेवल में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन बार, मेन बार का डाया क्या लेके चलना चाहिए। अगर हम मेन बार की बात करें, ये वर्टिकल बार जो यूज किया गया है ये कितना यूज करते हैं, नंबर सी मेन बार। अगर हम इसके डाया की बात करें तो डाया हमेशा 12 mm से लेकर के 50 mm तक यूज करते हैं, ठीक है। डाया आप मेन बार कितना लेके चलेंगे, 12 mm से लेकर के 50 mm तक लेके चलेंगे। अब यहाँ पर स्पेसिंग तो हम निकालते नहीं है, यहाँ पे स्पेसिंग नहीं निकालते, यहाँ निकालते नंबर ऑफ बार, और नंबर ऑफ बार के लिए हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बार आ जाता है कि कितना उस पर कंप्रेसिव लोड लगा हुआ है। फिर भी मैं आपको मिनिमम बता देता हूँ, यहाँ पर अगर मिनिमम की हम बात करें, मिनिमम नंबर ऑफ बार, तो चाहे स्क्वायर कॉलम हो या रेक्टेंगल कॉलम हो, इसमें हमेशा मिनिमम नंबर ऑफ बार कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है। 4 से कम कभी भी हम कॉलम में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मान लो स्क्वायर हो गया या रेक्टेंगल हो गया, उसके 4 कॉर्नर होते हैं और चारों कॉर्नर पे जो है हमें कम से कम मिनिमम एक बार तो प्रोवाइड करना ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक कोने पर आपने बार नहीं डाला, केवल 3 बार डाल दिया। बीम की तरह तो ऐसा है नहीं कि 2 बार या 3 बार डाल दिया आपने, ऐसा नहीं है, मिनिमम 4 बार तो आपको डालना ही डालना है यहाँ पर। अगर हम सर्कल की बात करें, सर्कुलर कॉलम की बात करें अगर हम, तो वहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ बार 6 होता है, 6 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्समेंट। अब मैं बात करूँगा आपको इसके स्ट्रेंथ की, कि स्ट्रेंथ क्या होता है इसका, कॉलम का स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे, ठीक है।
स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम। अगर आपने ये केवल इसका फॉर्मूला देख लिया है अपने, तो समझ लीजिए कि आप कॉलम का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी इस लेक्चर से आप जो है कॉलम का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको डिज़ाइन भी बता दिया है और यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपका कॉलम होता है दो टाइप का होता है, एक होता है शॉर्ट कॉलम, ठीक है, और दूसरा आपका होता है लॉन्ग कॉलम। दोनों साथ में ही बताते चलूंगा मैं आपको, लॉन्ग कॉलम दोनों में क्या डिफरेंट है। यदि इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लेटरल डायमेंशन का रेशियो 12 से कम होता है, यदि L इफेक्टिव यानी इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम और लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन को चलिए हम लोग B मान लेते हैं, का वैल्यू अगर 12 से कम होता है, ठीक है, अगर लीस्ट लेटरल डायमेंशन और जो आपका है B क्या है आपका लीस्ट लेटरल डायमेंशन, इसका वैल्यू अगर 12 से कम होता है तो आप कहेंगे शॉर्ट कॉलम है, और यदि L इफेक्टिव और B का रेशियो 12 या 12 से अधिक होता है तो आप कहेंगे लॉन्ग कॉलम है। ये बात समझ में आएगी नहीं आपको, जहां पे L इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, एंड बी क्या है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, अब अगर हम स्पाइरल बार का क्वेश्चन दिया गया है तो स्पाइरल बार के लिए, सॉरी पहले इंडिपेंडेंट टाइप बार के लिए बता देते हैं, फॉर इंडिपेंडेंट टाइप बार, स्ट्रेंथ। अब देखिए कॉलम में कंक्रीट भी है और रेनफोर्समेंट भी है, और कॉलम पे हमेशा कंप्रेसिव लोड आता है, तो कंप्रेसिव लोड को कंक्रीट भी बियर करेगा और रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड किया गया है वो भी बियर करेगा। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ मेन बार प्लस स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। और स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू स्ट्रेस, एरिया इंटू स्ट्रेस, यानी कंक्रीट का स्ट्रेंथ प्लस स्टील का स्ट्रेंथ, तो कंक्रीट का एरिया इंटू स्ट्रेस प्लस स्टील का एरिया इंटू स्ट्रेस, ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो अगर हम कैसे निकालेंगे, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कंक्रीट का स्ट्रेंथ प्लस स्टील का स्ट्रेंथ, तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, कंक्रीट का एरिया मान लीजिए है एसी, एरिया ऑफ कंक्रीट इंटू स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट सिग्मा सीसी, एसी इंटू सिग्मा सीसी प्लस स्टील का एरिया एएससी इंटू स्टील का स्ट्रेस सिग्मा एससी, ये फॉर्मूला आपका हो गया स्ट्रेंथ निकालने का। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या हो गया, एसी इंटू सिग्मा सीसी प्लस एएससी इंटू सिग्मा एससी, चलिए सबका नाम लिख देते हैं किसे क्या बोलते हैं, वेयर एसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ कंक्रीट, ठीक है, और एरिया ऑफ कंक्रीट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉलम एरिया में से रेनफोर्समेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो कंक्रीट का एरिया आपका आ जाएगा। तो एसी कैसे निकालेंगे, एसी इज इक्वल टू टोटल एरिया एजी, एजी का मतलब होता है ग्रॉस एरिया, माइनस एएससी, इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे एसी, ठीक है। सिग्मा सीसी क्या है, सिग्मा सीसी आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, ठीक है,
जिसका वैल्यू आप IS कोड से ले लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई आपको। ASC क्या है आपका? ASC है एरिया ऑफ मेन बार। कैसे निकालेंगे? n इंटू पाई बाई 4 इंटू डाया का स्क्वायर। सिग्मा SC क्या है? ये भी IS कोड से लेंगे हम। ये है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ स्टील है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इंडिपेंडेंट टाई बार के लिए स्ट्रेंथ आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर यहां पर हम स्पाइरल टाई बार का यूज करें तो क्या होगा? ए पॉइंट हो गया ये, बी पॉइंट फॉर स्पाइरल टाई बार। तो उसके लिए स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाता है? AC इंटू सिग्मा CC प्लस ASC इंटू सिग्मा SC। इसमें 1.05 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.05 का मल्टीप्लाई इसलिए कर देंगे कि इंडिपेंडेंट टाई बार के कंपेयर में 1.05 गुना जो है इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, कब होगा ज़्यादा? जब इसके लिए एक इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा तब। कब होगा? इफ, अब वो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बच्चे हमेशा सॉल्व करने में उन्हें बहुत टफ लगता है। VSP अपॉन VK इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0.36 AG अपॉन में AK माइनस 1 इंटू FCK अपॉन में FY। अगर ये इक्वेशन लागू होता है तब हम 1.05 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर लागू नहीं होता है तो क्या करेंगे? अदरवाइज अगर लागू नहीं होगा तो स्ट्रेंथ के फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तब ये 1.05 का मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। AC इंटू सिग्मा CC प्लस ASC इंटू सिग्मा SC हो जाएगा। जो फॉर्मूला मैंने इंडिपेंडेंट टाई बार के लिए यूज किया है वही फॉर्मूला आपका यहाँ भी यूज होगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो 1.05 का मल्टीप्लाई कब करेंगे? जब आपका ये इक्वेशन लागू होता है तो। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि VSP क्या है, VK क्या है, AG, AK, FCK, FY क्या है। चलिए इसकी बात करते हैं। तो भी मैं लॉन्ग कॉलम का इसके बाद बताऊंगा, तो पहले इसी को देख लेते हैं कि इसे क्या बोलते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूंगा FCK और FY की बात करते हैं। चलिए FCK हम लोग जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं इसे। ठीक है, अगर M15 यूज किया गया है तो FCK का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15 न्यूटन पर MM स्क्वायर हो जाएगा। अगर M20 यूज किया गया तो FCK क्या हो जाएगा? 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार FY भी है आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। अगर FE 250 यूज किया गया है तो FY का वैल्यू 250 हो जाएगा। अगर FE 415 यूज किया गया है तो FY की वैल्यू 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? तो ये दो चीज तो आपको पता हो गया। ठीक है, अब हम AG निकालेंगे। AG क्या है? देखिए AG बोलते हैं ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम। अब ये कैसे निकालते हैं आप जानते हैं। अगर स्क्वायर कॉलम यूज किया गया है तो दोनों लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे। रेक्टेंगल दिया गया है तो भी दोनों लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सर्कुलर में दिया गया है तो पाई बाई 4 इंटू डाया ऑफ कॉलम का स्क्वायर, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। ठीक है, बात समझ में आया? तो एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। अब इसके तीनों फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा,
अगर सर्कुलर मान ली दिया गया है, ठीक है, और वैसे भी यहाँ पे सर्कुलर ही दिया जाएगा, स्पायरल बार तभी यूज होता है जब वहाँ पर सर्कुलर कॉलम यूज होता है, कभी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल में यूज नहीं करते। तो ए जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए जी इज इक्वल टू पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। डी क्या है, डाया ऑफ कॉलम, ठीक है, तो आपको ए जी भी पता हो गया। अब हम बात करते हैं डी के, अभी मैंने अब पहले डी के बताऊंगा तभी तो मैं आपको ए के बारे में बताऊंगा, ठीक है। एक चीज़ और है यहाँ पर, जब स्पाइरल बार यूज करते हैं ना, जब ये कंडीशन लगता है यहाँ पे एसी नहीं लेके चलते बल्कि ए के लेके चलते हैं, ठीक है, और ये ए के क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले डी के की बात करते हैं, डाया ऑफ कोर का, डाया ऑफ कोर डी के निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल डी माइनस टू इंटू कवर प्लस टू इंटू डाया ऑफ स्पाइरल बार। ये होता है डी के निकालने का फॉर्मूला। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं ना, रेनफोर्समेंट के आउटर पॉइंट से जो डाया होता है वो कहलाता है डी के, ठीक है, या कह सकते हैं स्पाइरल बार के अंदर वाले फेस से, दोनों स्पाइरल बार के अंदर के फेस से, जो स्पाइरल बार का अंदर का फेस होगा वही मेन बार का आउटर फेस होगा। क्यों, क्योंकि मेन बार के चारों तरफ स्पाइरल बार यूज किया गया है, तो जो रेनफोर्स मेन बार का जो आउटर फेस होगा वही स्पाइरल बार का अंदर का फेस होगा, तो उसी फेस के जो अंदर का बीच का डिस्टेंस होता है वो कहलाता है डाया ऑफ कोर। तो ये डी के निकालने का फॉर्मूला है। ए के आप कैसे निकालेंगे, ए के निकालने का फॉर्मूला है आपका पाई बाई फोर इंटू डी के का स्क्वायर, ठीक है, टोटल कोर का एरिया हम निकाल लेंगे और माइनस ए एस सी कर देंगे उसमें से, ए एस सी माइनस कर देंगे, तो ए के पता हो गया। अब आपको ए जी भी मालूम हो गया और ए के भी मालूम हो गया। अब हम बात करते हैं वी एस पी और वी के का। तो पहले वी के की बात करते हैं, वी के क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोर। तो यहां पर हम एक mm हाइट लेकर के वॉल्यूम निकालते हैं कोर का। तो कोर का जो एरिया है वो कितना है, ए के। जब कोर का एरिया ए के है और वॉल्यूम निकालते समय हाइट एक mm ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वी के और ए के दोनों इक्वल हो जाएगा। तो वी के इज इक्वल टू ए के बिकॉज एच इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ले लेते हैं यहां पर हम। अगर 1 mm हाइट पर हम वॉल्यूम निकालें तो वी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के। अब हम बात करते हैं वी एस पी की, वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल बार है ये। वी एस पी क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल बार, ठीक है। वी एस पी निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए वी एस पी इज इक्वल टू पाई बाई फोर इंटू डाया का स्क्वायर, यानी कि हम जो स्पाइरल बार यूज किए हुए हैं उसका एरिया निकाल लेंगे, पाई बाई फोर इंटू डाया का स्क्वायर इंटू एल एस पी अपान पी, एल एस पी अपान में पिच पी, ठीक है। जब इसका मैं न्यूमेरिकल लगाऊंगा तो वहाँ फिगर बना के बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे वी एस पी निकालते हैं। यहाँ तो मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि जैसे इक्वेशन लिखा हुआ था मैंने, तो सबको बता दे रहा हूँ किसको क्या बोलते हैं और साथ ही साथ फॉर्मूला भी शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। यहाँ मैं डिटेल नहीं लेके चल रहा हूँ, फिर भी आपको काफ़ी समझ में कुछ सब कुछ आ जा रहा होगा, ठीक है। फिर भी मैं जब न्यूमेरिकल लगाऊंगा इसका तो वहाँ पर फिगर बना के अच्छे से बताऊँगा फिर से। तो वी एस पी हो गया। अब फाई वन क्या है, डाया ऑफ स्पाइरल बार। पी क्या है, पिच, जो मैंने आपको पिच बताया है, ठीक है, स्पाइरल बार का जो पिच होता है। एल एस पी क्या है, एल एस पी लेंथ ऑफ स्पाइरल बार, एक राउंड को लगाने में जो लेंथ यूज होता है स्पाइरल बार का वो लेंथ है एल एस पी, ठीक है। तो एल एस पी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
पाई डी के का होल स्क्वायर प्लस पिच का स्क्वायर विथ अंडर रूट। ये एलएसपी निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब डीके के बारे में हमें पता है और पिच के बारे में हमें पता है, तो ये रहा शॉर्ट कॉलम का स्ट्रेंथ निकालना। ठीक, अब एक क्वेश्चन में ये बोल देता है कि आपका जो है ये इंडिपेंडेंट टाई बार यूज किया गया है, तब हमें इतना सब कुछ फॉर्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर हम केवल ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कहता है कि स्पायरल बार यूज किया गया है, जब तक स्पायरल बार का नाम नहीं लेगा तब तक हम ये सेकंड कंडीशन में कभी भी नहीं आएंगे। तो स्पायरल बार का अगर स्ट्रेंथ पूछेगा तो इसके लिए हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना होगा। अगर यहाँ पर वी एस पी अपान में वी के इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0.36 ए जी अपान ए के माइनस 1 इंटू एफ सी के अपान ए 5, अगर ये वैल्यू सेटिस्फाइड होता है तब हम कह सकते हैं कि 1.05 का हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अगर ये कंडीशन नहीं लगता है तब आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो इंडिपेंडेंट टाई बार के लिए आपने यूज किया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉन्ग कॉलम की। तो देखिए लॉन्ग कॉलम के लिए मैं अलग से नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं इसी में चेंज कर दे रहा हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना, लिखने के बाद इसे जो है फिर लॉन्ग कॉलम के लिए अलग से लिखना, मैं इसी में चेंज कर दे रहा हूँ। कहाँ चेंज होगा देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉन्ग कॉलम, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल, ठीक है, फॉर्मूला आपका सब कुछ वही रहेगा, बस होगा क्या यहाँ पे, यहाँ पे सी आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, वही सी आर का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा इंटू सी आर, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए 1.05 इंटू सी आर, वही सी आर का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं। अब ये सी आर क्या है, ये है रिडक्शन फैक्टर। रिडक्शन फैक्टर क्या होता है, देखिए जो लॉन्ग कॉलम का स्ट्रेंथ होता है वो शॉर्ट कॉलम से हमेशा कम होता है। क्यों कम होता है, इसकी हाइट ज़्यादा होने की वजह से इसमें बकलिंग होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ये कंपेयर टू शॉर्ट कॉलम में इसका स्ट्रेंथ हमेशा कम होता है, हमें कोशिश करना चाहिए हमेशा शॉर्ट